मोदी जो कमिटमेंट कर देते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे वो कमिटमेंट देश से हो या दुनिया से। भारत को जल्द से जल्द पॉल्यूशन मुक्त बनाना भी उनका ऐसा ही एक कमिटमेंट है। इसी कड़ी में सरकार अब इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की कोशिश में जुट गई है। इलेक्ट्रिक वाहन जहां एक ओर पर्यावरण फ्रेंडली होते हैं, तो वहीं इनसे यात्रा करना पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ता भी होता है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को सरकार ने बड़ा तोहफा देने का मन बनाया है। फेम 2 योजना के तहत मोदी सरकार देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 62 शहरों में 2,636 चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रही है। इस योजना को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। इन चार्जिंग स्टेशन में से 1,633 फास्ट चार्जिंग और 1,003 स्लो चार्जिंग स्टेशन होंगे। इतना ही नहीं, चार्जिंग स्टेशन के अलावा कुछ चुनिंदा शहरों में 14,000 चार्जर भी लगाए जाएंगे। चुने हुए शहरों में हर 4x4 किलोमीटर के दायरे में एक चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र में 317, आंध्र प्रदेश में 266, तमिलनाडु में 256, गुजरात में 228, राजस्थान में 205 और यूपी में 207 स्टेशन लगाए जाएंगे। बाकी के राज्यों में भी जरूरत के हिसाब से स्टेशन लगेंगे। साल 2015 के अप्रैल में फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के तहत इस योजना को शुरू किया गया था। फेम योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग और बुनियादी ढांचे को तैयार करना है।